कानपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया और घंटों उससे पुलिस ने पूछताछ की और जल्दी ही उसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। पुलिस से पूछताछ में विकास दुबे ने कई बड़े खुलासे किए हैं। विकास दुबे ने पुलिस को बताया कि वो पुलिस कर्मियों के शवों को जलाने के लिए तेल लाए थे ताकि शव जलाने से सबूत मिट सके। साथ ही उसने ये भी स्वीकार किया कि कुछ पुलिस कर्मी उसके साथ संपर्क में थे और वो लगातार उसको अपडेट दे रही थी। इसके साथ ही विकास दुबे ने बताया कि उसे खबर मिली थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन सुबह के बजाय पुलिस रात में ही रेड करने आ गई और इसलिए उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया। यानी विकास दुबे ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। उज्जैन में विकास दुबे से पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से एक बार उसके गाँव पहुँची और कई सबूत इकट्ठे किए। तो दोस्तों, ये सबसे एक्सक्लूसिव खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि विकास दुबे ने कई खुलासे किए हैं। एक खुलासा तो ये है कि उसने शव को जलाने की कोशिश की थी, साथ ही उसने स्वीकार किया कि कुछ पुलिसकर्मी उसके साथ थे जो लगातार अपडेट दे रहे थे। साथ ही उसने ये बताया कि उसको सूचना थी कि पुलिस सुबह आने वाली थी, लेकिन पुलिस जल्दी आ गई। इसके साथ साथ जो भी अपडेट मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।